लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। यह न्यूज राजस्थान और मैं हूँ आपके साथ विकास पारिक। हमारा विशेष कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान। बेटियों को जहां सौभाग्यशाली माना जाता है, वहीं और बेटा और बेटियों में भेदभाव क्यों? आखिरकार बेटियों के प्रति ये सोच जो है वो कब बदलेगी? आखिरकार इसका अंत कब होगा? वहीं बेटियां जो है वो बेटों से कम नहीं है। इसी को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गरसाड़ा संस्कार एकेडमी स्कूल में। और आप देख सकते हैं इसी विद्यालय के तमाम जो टीचर्स हैं वो मौजूद हैं। किस प्रकार की सोच बेटियों के प्रति और किस प्रकार इस कुरीति का अंत होगा, हमारे साथ इसी विद्यालय के प्रिंसिपल आरती जी भार्गव मौजूद है। मैडम, लगातार बेटा और बेटियों में भेदभाव देखा जा रहा है, इस कुरीति को मिटाने के लिए किस प्रकार की सोच होनी चाहिए? धन्यवाद विकास जी, जो आप चैनल के माध्यम से बेटियों के लिए विकास के लिए एक मुहिम चलाई है। मैं कहना चाहूंगी कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बेटियां भी आजकल बेटों के बराबर हर विभाग में काम कर रही हैं, आगे से आगे बढ़कर आ रही हैं। एक प्रथा मैंने देखी है गांव में कि बेटों को कम तवज्जो दिया जाता है कि बेटा हमारा उत्तराधिकारी है और वंश चलाता है, इसलिए उसका ध्यान अच्छे से रखा जाता है, अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाती है। और बेटियों को प्राय घर जाना होता है तो कुछ पेरेंट्स की ये सोच होती है कि उनको किस तरीके से, मतलब बेटियों को अच्छी शिक्षा न्यून इसलिए नहीं दी जाती कि उनपे खर्चा ना किया जाए, क्योंकि उन्हें प्राय घर जाना होता है। तो ये भेदभाव को हमें खत्म करना होगा और बेटियों को भी आगे पढ़ने का, स्वास्थ्य में, सामाजिक कार्यों में, सभी में आगे आने का हक मिलना चाहिए। मैडम, ये लगातार कुरीति देखी जा रही है, बेटा और बेटियों में भेदभाव देखा जा रहा है, लेकिन इसका अंत कैसे होगा? अंत तभी होगा जब पेरेंट्स हैं, समाज है, बेटी और बेटों में फर्क करना बंद करेगा। बेटी को भी उन वही हक मिलना चाहिए जो आजकल बेटों को दिया जा रहा है। बिल्कुल है, बेटियों को बेटों के बराबर तवज्जो दिया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां बेटियां अपना नाम रोशन कर रही है, वहीं बेटियों को लक्ष्मी दुर्गा का रूप माना जाता है। मैडम, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बेटियां आजकल देखी जाती है कि हर विभाग में, हर क्षेत्र में तरक्की कर रही है, लेकिन फिर भी आजकल बेटा और बेटियों में जो है फर्क देखा जाता है, क्या कहेंगे? बेटा और बेटियों में बहुत सारा फर्क देखा जाता है। मैं हमेशा से देखते आ रही हूँ कि जब लड़की होती है तो उसके लिए सब लोग बहुत नाखुश होते हैं, और जब लड़का होता है तो घरों में थालियां बजाई जाती है, उसके साथ में बहुत सारे सेलिब्रेशन किए जाते हैं, क्योंकि वो लड़कों को हमेशा से, थोड़ा बच्चा जब बड़ा होता है तब से ही वो ये चीजें स्टार्ट कर देते हैं। घरों में जब खिलौने भी लाके दिए जाते हैं तो लड़कियों को हमेशा गुड़िया लाके दी जाती है और चूल्हे चौके का सामान लाके दिया जाता है, वहीं लड़कों को गाड़ी, ऐसे गैजेट्स लाके दिए जाते हैं। उनको उसी दिन से बताया जाता है कि आपको कैसी फील्ड में जाना है, आपको क्या काम करना है, और लड़कियों को हमेशा यही कहा जाता है कि बेटा आपको तो अगले घर जाना है, पराए घर जाना है, तो वैसे ही आप काम करो, यही काम सीखो। लड़कों को जब भी लड़के कोई गलतियां करते हैं तो भी उनको ये नहीं बताया जाता कि आप गलतियां कर रहे हो, आपको आगे ऐसा नहीं करना है, उनको रोक टोक भी नहीं लगाई जाती। लेकिन वहीं अगर एक लड़की छोटी सी गलती कर देती है तो उसी के लिए उसको बहुत सुनाया जाता है, उसको पढ़ाई पे भी रोक लगाई जाती है, उसको बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। तो ऐसी सब चीजें बाहर देखने को हमें हमेशा मिलती है, हमारे डेली रूटीन में, हमारे आस पड़ोस में भी ऐसी चीजें हम हमेशा देखते हैं। मैडम, बेटे को जहां भाग्यशाली माना जाता है तो बेटियों को सौभाग्यशाली, लेकिन ये कुरीति जो है इसके अंत का जो सुझाव है वो आपका क्या रहेगा? अंत का सुझाव यही है कि हम ऐसा ना कह के बेटियों को कि आप कुछ नहीं कर सकते, उस फील्ड में जिन फील्ड में बेटियां हमेशा आगे गई है, हम उनका एग्जाम्पल दें
बिल्कुल, कि आप आईएएस, अगर कोई आईएएस महिला है तो हम उसके लिए कहें कि ये आईएएस है तो आप भी आईएएस बन सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण देने चाहिए, लड़कियों को हमेशा बाहर जाने का मौका दिया जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि आप भी बहुत कुछ कर सकती है। तो इसी अकॉर्डिंग अगर लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उनको पढ़ाया जाएगा, और लड़कों के मुकाबले अगर उनको हम थोड़ी सी छूट भी देते हैं तो वो उसका बहुत ही अच्छे रूप सामने आता है, हमें देखने को मिलता है कि लड़कियां इसका बहुत अच्छे से यूज करती है और वो आगे कुछ ना कुछ बनती है। और आज हर फील्ड में, हर एक फील्ड में हमें लड़कियों को आगे देखने का मौका मिल रहा है, हम देख भी रहे हैं। बिल्कुल, समाज की जब सोच बदलेगी तो बेटियां तरक्की करेगी, और बेटा और बेटियों में जो भेदभाव है उसका भी कहीं ना कहीं खात्मा होगा। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाता है कि ये कुरीति जो है जो लगातार फैल रही है, बेटा और बेटियों में भेदभाव देखा जाता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप में अगर देखा जाए तो बेटियां खूब तरक्की कर रही है, फिर भी इस प्रकार की सोच, ऐसा क्यों? देखिए सर, ऐसा है कि लड़का और लड़की में जो भेदभाव समझा जाता है, अक्सर हमारा जो सामाजिक कुरीतियां है, मध्यकाल से सामाजिक कुरीतियां है, कहीं ना कहीं आधुनिक समाज में देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, उनका असर आज भी है। लड़के और लड़की में अगर लड़की कोई गलती करती है तो सभी लड़कियों के रास्ते बंद हो जाते हैं, लड़का कर देता है तो वो दूसरे लड़कों के रास्ते बंद नहीं होते। हमें ऐसा सोचना चाहिए ना, कोई लड़की या गलती करती है तो उसको दूसरे लड़कियों पे क्यों थोप रहे हैं अपने? सभी लड़कियों के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। बहुत सी हमारी बहनें हैं, बहुत सी महिलाएं हैं जो समाज में आगे बढ़ी हैं, उन्होंने काफी हद तक जैसे आईएएस टॉपर रही हैं, डॉक्टर के लाइन में हैं, टीचर बनी हैं, हर फील्ड में हैं। ऐसी लड़कियों का उदाहरण देकर अपने जो गार्जियन, जिनकी ये सोच हो चुकी है कि लड़की घर से निकलेगी तो गलत काम करेगी, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सफल बच्चियों को उनके सामने दिखाकर भी देखिए, ये लड़कियां हैं, ये आईएएस बन गई, ये डॉक्टर बन गई, जो बड़े बड़े पायलट बन गए, उनको सामने, उनकी सोच उनके सामने रखी जाए। जो गार्जियन जो सोचते हैं कि लड़कियों को घर से निकालेंगे तो वो गलत काम करेगी, लेकिन गलत, हर लड़की गलत काम नहीं करती। बहुत सी मेरी बहनें हैं जो सफल हुई हैं, उनकी सफलता दिखाकर कहीं ना कहीं समाज को बदला जा सकता है, क्योंकि अभी तक वो रूढ़िवादी विचार अभी तक हमारे समाज में पूरी तरह अंत नहीं हुआ उनका। जब तक उनका अंत नहीं होगा तब तक लड़का और लड़की में भेद यूं बना रहेगा, उनका अंत जरूरी है। बिल्कुल, रूढ़िवादी विचारधाराओं का अंत जरूरी है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा दिया जाता है, लेकिन ये बेटियों के ऊपर लागू करने के साथ साथ उनकी जो अपॉर्चुनिटी है उनको भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि बेटियां लगातार तरक्की कर रही है, बेटियां बढ़ रही है, उसका उदाहरण जो है वो भी देखना चाहिए। रूढ़िवादी विचारधारा जो है इसको खत्म करनी चाहिए। मैडम, आपके विद्यालय में काफी बेटियां जो है वो पढ़ाई कर रही है और उन्होंने काफी सरकारी जॉब में भी एंट्री की है, तो मैडम क्या कहना चाहेंगे? आप किस प्रकार रखते हैं उन बेटियों को, किस प्रकार उन पर फोकस रखते हैं और किस प्रकार उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं? विकास जी, मैं भी एक संस्था चला रही हूँ, मैं भी एक बेटी, माँ, पत्नी हूँ, तो मैंने भी अपना एक नाम कमाया है। तो मैं अपने विद्यालय में अपनी जो मेरी बच्चियां पढ़ रही हैं उन्हें हमेशा स्पोर्ट्स में हर जो फील्ड है उसमें ले जाना चाहती हूँ और उनको आगे से आगे करी। और कई बच्चियों ने जो हैं घड़साना उपखंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में हमारी संस्था का नाम रोशन किया है, जैसे फाल्गुनी पारिक है, अनमोल कौर है, चमनप्रीत है, जिन्होंने घड़साना उपखंड और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम रोशन किया है, और स्पोर्ट्स में भी बच्चों ने नाम अपना रोशन किया है। और मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी, मेरी खुद की बच्ची जो कि है ना बीटेक करके आज कंप्यूटर इंजीनियर बन चुकी है, उसके भी मतलब हमारे घर में भी ऐसा था, उसकी दादी है, पापा है जो उसे बाहर नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उसकी इच्छा थी, उन्हें समझाया गया तो उन्होंने भी उसे, आज 6-7 साल हो गए मेरी बच्ची बाहर ही रह रही है, उसने 11th 12th और बीटेक करके कंप्यूटर इंजीनियर बन गई है और अब वो जॉब पे लग चुकी है। और घड़साना उपखंड में भी देखा जाए तो ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल हैं जो आरएएस ऑफिसर बने हैं अपने यहाँ से, डॉक्टर्स भी बने हैं और इंजीनियर भी बने हैं। तो एक छोटी सी मंडी जब इतनी आगे जा सकती है तो मैं चाहूंगी समाज पूरा बदलना चाहिए और बेटियों को आगे ले जाना चाहिए। बिल्कुल है, जब सोच बदलेगी तो बेटियां तरक्की करेगी और देश बदलेगा। मैडम, कई बार देखा जाता है कि नेगेटिव जो बातें हैं वो ज्यादा सामने आती है, जब बेटियां तरक्की करती है उसको कम दिखाया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा और बेटी को इक्वल रखना चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल भेदभाव जो है वो नजर आता है, क्या कहेंगे? क्योंकि
भी सर हम बेटियों की जो नेगेटिविटी देखते हैं पॉजिटिविटी देखते ही नहीं है, क्योंकि जो बेटियां आगे बढ़ रही हैं उनको हमेशा पीछे धकेलने के बजाय धकेलते ही हैं वो, कि बच्चियों ने ये कभी नहीं कहा जाता बच्चियों ने इतना अच्छा काम किया, गलत काम किया वो उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा, जो उन्होंने अच्छा काम किया वो कभी सामने नहीं लाया जाता, इसी वजह से बच्चियां पीछे रह जाती हैं। अगर किसी बच्ची ने गलत काम किया भी है तो उसको प्यार से समझा बुझाकर भी उसे सही रास्ते पे अपने लेके आ सकते हैं, लेके आ भी रहे हैं। हम भी एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हम भी एक लेडीज हैं, एक बच्ची, हम भी महिलाएं हैं, किसी गांव से उठी हुई हैं, हम भी पढ़ लिख के आज जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। बेटा देखो अपने कहते हैं बेटा हमारा उत्तराधिकारी है, बेटा एक सिर्फ नाम चलता है, पर बेटियां ससुराल और पिया दोनों पक्षों का नाम चलाती है, आप मान के चलोगे। अच्छा एक बेटा जॉब करने के बाद जॉब ही करेगा, घर में क्या रहा कुछ नहीं पता, पर एक औरत है वो अपने घर में बच्चों को संभालती है और बाहर के अपनी जॉब भी प्रॉपर तरीके से वो निभाती है हर जिम्मेदारी। तो बताओ आप कहाँ कहते हो बेटियां पीछे हैं, बेटियां हर चीज में आगे हैं, और आज हमारी बच्चियां पढ़ाई में लिखाई में गेम्स में यानी कि हर एक्टिविटी में हर क्षेत्र में बेटियां आगे चल रही हैं, कहीं भी आप उठा के देख लेना आंकड़े आपके, बच्चियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। पर पेरेंट्स का ये मानना है भी बच्चियां बाहर निकलेगी गलत चलेगी, क्यों आप इन्वायरमेंट ऐसा ही क्रिएट कर देते हो कि बच्चियों के मन में ये चीज हो जाती है कि हम शायद गलती करेंगे। आप उनको ये पॉजिटिविटी दो भी, आप बाहर जाओगे बेटा अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, हर जगह आगे बढ़ोगे, तो वो बच्चियों में पॉजिटिविटी आएगी, तो बच्चियां आगे गलत काम बिल्कुल नहीं करेगी। उसमें अगर बच्चियां पीछे जा रही हैं या वो गलत काम करती हैं उसमें सबसे ज्यादा उसमें हमारा हाथ होता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से बच्ची को ये सिखाना स्टार्ट करते हैं आप ये नहीं करोगे, ये नहीं कर सकते, ऐसा करोगी वो करोगी, तो बच्चियों के माइंड में वैसी चीजें आपको पता है वो कच्ची मिट्टी है वैसे हम डाल देते हैं, वैसे वो बच्चियां माइंड में चीजें वो अपने आप सेट कर लेती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हमें हमारे माँ बाप ने ये चीजें सिखाई थी, आप बढ़ोगे आगे चल सकते हो, और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आगे देखो हम घर बार भी संभाल रहे हैं, बच्चे भी हैं, और स्कूल में बाद हम जॉब भी कर रहे हैं। तो बेटियां हर जगह क्षेत्र में आगे, पर ये सोच बदलने की हमें देखो सबसे ज्यादा आदमी नहीं इन चीजों में, ज्यादा औरतें इस चीजों को बढ़ावा दे रही हैं, इस चीजों में औरतों का ही हाथ है कि औरतें ही कहती हैं कि बच्चियां गलत काम करेंगी, क्यों आप एक माँ बच्ची को समझाओ उसको चीजें बताओ भी क्या चीज गलत है और क्या सही है, तो उस नजरिए से वो बच्ची देखेगी तो बच्ची अपने आप ही सही काम करेगी। तो इसमें औरतों का सबसे ये औरतों को अपनी सोच बदलनी चाहिए भी बच्चियां गलत नहीं करेंगी, हर क्षेत्र में वो बाहर जाएंगी वो अच्छा ही काम करेंगी। बिल्कुल है, जन जागृति होनी अति आवश्यक है, क्योंकि जो बेटियां हैं वो दो परिवारों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है, एक ससुराल पक्ष और एक पीहर पक्ष, और दोनों परिवारों का नाम भी कहीं ना कहीं रोशन करती है। मैडम तमाम जिस प्रकार की सोच है इसको बदलने के लिए आपका सुझाव क्या रहेगा? सुझाव यही है सर कि सबसे पहले तो समाज में जो लोग हैं इस कुर्ती को फैला रहे हैं उसको दूर करना चाहिए, और पेरेंट्स हैं सबसे पहले पेरेंट्स को होना चाहिए कि अपने बच्चे को आगे लेके आए, तभी समाज एक परिवार कदम बढ़ाएगा तो उसके पीछे जैसे सभी परिवार आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन ये समाज में ये कुरीति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल है, समाज अगर जागरूक होगा तो इस प्रकार की कुरीतियों का अंत होगा, बेटा और बेटियों में जो भेदभाव है उसको मिटता हुआ देखा जाएगा। हाँ जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे, ये कुरीति किस प्रकार खत्म होगी और जिस प्रकार भेदभाव देखा जा रहा है और बेटियों में और बेटों में कहीं ना कहीं एक बेटों को उत्तराधिकारी माना जाता है लेकिन बेटियों को उस तवज्जो में कम दिया जाता है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी बेटी और बेटियों में, पहले तो हमें बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके जाना है, जब तक एक बेटी पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो उसे क्या नॉलेज होगा कि हमें क्या करना है, जैसे उसको घर के बारे में चोला चौका संभालने के बारे में बताया जाएगा तो उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। एक बेटी अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे पढ़ना है लिखना है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, और जब वही अगर उनके बारे में बोल दे कि शादी करनी है, हाँ भाई शादी करनी है 7-8 लाख रुपए है हमारे पास, हम शादी करके अगले घर भेज देंगे आगे वाले तुम्हें पढ़ाएंगे, लेकिन अगर वही 7-8 लाख रुपए लगा के आप उनको पढ़ाओगे लिखाओगे तो जरूरत ही नहीं कि आप के लिए शादी के रुपए इकट्ठे करो, वो खुद अपनी इतना काबिल हो जाएगी कि वो अपनी शादी खुद करने के लायक हो, इतना तो वो खुद कर सकती है। पहले आप उसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, बेटी को हर शिक्षा दी जाए, हर चीज में आगे किया जाए, फिर हर क्षेत्र में वो अपने आप डेवलप होती जाएगी। बिल्कुल बहुत ही अच्छी इन्होंने बात कही है कि जब शिक्षा में आगे रखा जाएगा तो प्रत्येक क्षेत्र में जो बच्चियां बेटियां वो आगे बढ़ेगी। कई बार नजर आता है कि बच्चियों पर शादी का फोकस बड़ा ज्यादा रहता है,
आठवीं पास की, टेंथ क्लास पास की और तुरंत उसकी शादी कर दी गई, जो सोच है ये कैसे बदलेगी? ये सोच बदलेगी जब हम लड़कियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब ये सोच हमेशा से बन गई है। देखो आजकल हम देखते हैं कि जो शादीशुदा औरतें हैं उनके केसेस ज्यादा सामने आते हैं, तो ये तो कहीं नहीं है कि जो लड़कियां कुंवारी है सिर्फ उन्हीं के साथ ही गलत होगा, जो शादीशुदा है उनके साथ भी गलत हो सकता है। हम आजकल न्यूज़पेपर में न्यूज में हमेशा देखते हैं कि एक 60 साल की महिला के साथ गलत हुआ, तो उसमें कौन जिम्मेवार है? तो शादी के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो बिल्कुल सेफ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों में हर तरीके की महिलाएं हैं वो एक समान है। मैं तो यही कहती हूँ कि महिलाएं हैं उनको हर मौके देने चाहिए कि हर मूल का भविष्य बनाती है बेटियां और जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करती है बेटियां। तो बेटियों को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो वो कहीं पे भी रुकने वाली नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। चाहे हम उनको किचन का काम दे वो किचन का भी करेगी, अगर हम उनको बाहर भेज दे तो वो बाहर का काम भी करेगी, और अगर हम उनको किसी सरकारी नौकरी में लगाना चाहते हैं तो वो सरकारी जॉब के लिए भी, क्योंकि उनको ये होता है कि हमें एक मौका मिला है तो हम इस मौके का अच्छे से फायदा उठाएं, तो वो उसका भी फायदा उठाने की पूरी कोशिश करती है। तो इसीलिए महिलाओं को हमें आगे लाना चाहिए और महिलाओं को सबसे ज्यादा पढ़ाना लिखाना चाहिए। और सबको यही कहना चाहूंगी कि एक जो सब लोग पहले जैसे ही होता है कि घर में कोई नया बच्चा आने वाला है तो वो उसके भ्रूण की जांच करवाते हैं कि लड़का है या लड़की है, तो वो नहीं होना चाहिए। लड़का है चाहे लड़की है, दोनों ही हमारे घर को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। अगर किरण बेदी जैसी महिला है, किरण बेदी, सानिया मिर्जा, इन सभी को भी अगर कड़छी पकड़ा दी जाती तो क्या वो हमारे देश का नाम रोशन कर पाती? नहीं कर पाती। ऐसे ही है कई फील्ड में महिलाओं को बहुत आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन कई फील्ड में जैसे कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, है ना, हम उनको जो हमारे वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम हम उनको जानते हैं, लेकिन वहीं पे हम जो हमारी वुमेन है उसको क्या नाम है उसका, कल्पना चावला, उसके साथ में जो टेसी थॉमस है उनको भी हम नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उस टाइम में महिलाओं को इतना आगे नहीं बढ़ाया गया, तो हम उनको जानने में थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन वहीं अगर उनका नाम आगे लाया जाता तो वो भी आज वैज्ञानिक फील्ड में भी महिलाएं बहुत कुछ कर सकती थी। अब हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि महिलाएं साइंस की फील्ड में भी आगे जा रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो अवसर दें तो महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल, अवसर दिया जाएगा तो बेटियां जो है वो सब कुछ कर सकती है। भ्रूण हत्या हमें बंद करनी चाहिए, बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए और बेटियों के प्रति ये जो रूढ़िवादी सोच है उसको बदलना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं तमाम टीचर्स जो है इन्होंने अपने अपने जो सुझाव हैं वो दिए हैं, शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए, पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि बेटा और बेटियों में अंतर नहीं आएगा। ये तमाम सुझाव जो हैं वो दिए गए हैं, लेकिन इंडिया न्यूज भी तमाम लोगों से एक अपील करता है कि बेटा और बेटियों में अंतर हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज बेटियां जो है वो खूब तरक्की कर रही है, और जहां बेटे को भाग्यशाली माना जाता है तो वही बेटियों को सौभाग्यशाली भी माना जाता है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश, तो बोलेगा राजस्थान में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।